Yeah, yeah, yeah.
लाने पड़े नबड़ी गाड़ी की हो Yeah.
जो किसी मेरी गाड़ी नहीं आई ना, मैंने लाड़े कभी गाड़ी थी तो मैं भी धरना दूंगा। तो किसान बंधु आप विचार करो, मंत्रिमंडलीय सरकार है और उस मंत्री की नहीं चलती है तो आप और हम तो कौन से खेत की मूली है। सरकार बिजली के तंत्र में फेल हो गई। वसुंधरा जी के सरकार में 13 से 18 घरों में 20-21 घंटे बिजली मिलती थी, आज मात्र 8-9 घंटे बिजली देते हैं। अधिकारी जवाब देते हैं
ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार के अंदर ट्रांसफार्मर जलते थे तो 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर मिलते थे, और आज इस स्थिति आप और हम सब लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर अगर जल जाए 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीना महीना, और दीपावली से पहले तो डेढ़ महीना ट्रांसफार्मर नहीं मिला। मैंने अधिकारियों को कहा कि दीपावली के दिन तो घर में लोग दिए जलाते हैं, और ये कांग्रेस की नीतियों के कारण लोग दीपावली के दिन अंधेरे में बैठे हैं। आज किसान का अगर कृषि कनेक्शन पास हो जाए, 1 साल से इनके पास देने को सामान नहीं है, घर कनेक्शन इस सरकार ने एक भी किया नहीं, और अपनी सरकार 13 से 18 थी, एमपी साहब और गवाह है, हमने 82 करोड़ के कनेक्शन राड़ीवाड़ा में 15,400 नए घर कनेक्शन हम लोगों ने करवाए। आज गर्मी का मौसम है, बारिश हुई नहीं, हमारी फसलें जल रही है, हम लोग रोज मंत्री, जोधपुर के बड़े अधिकारी एमडी ऐसी साहब से बात करते हैं कि बिजली दो, ये फ्री के मोबाइल बांटने बंद करो, ये आप 24,000 करोड़ के मोबाइल बांट रहे हो, उसके बदले में किसान को बिजली दे हो, तो किसान 2 बोरी बाजरी या अनाज बेच के मोबाइल ले आएगा, तो हमारा करोड़ों करोड़ों का नुकसान करने पर ये सरकार तुली हुई है। और इस गर्मी के समय में भरी दुपहरी में लाइट कटती है, शाम को हमारे घरों में खाने के समय लाइट कटती है, हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, अब वो घर में कैसे रहते हैं। मैं कई बार अधिकारियों से कहता हूं कि अगर आपके घर में 4-5 घंटे लाइट कट गई तो सोमराव मैम साहब रोटी नहीं दे। मैं गांव और मैं भी लोग हों, जानवर नहीं हो, तो ये सौतेला व्यवहार राजस्थान की जनता, राड़ीवाड़ा की जनता नहीं सहेगी। और अब साथियों, इस सरकार का राजेंद्र जी गुड़ा मंत्री कहते हैं कि एक फॉर्च्यूनर बैठने लायक एमएलए हम जीत के जाएंगे, ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया। आज बिजली पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है। आप ये घोषणा तो बहुत कर रहे हैं, जादूगर है अशोक जी, 2018 का बिल और अभी का बिल आपका कंपेरिजन कर लेना, ये खाली थोती घोषणा है। 58 पैसा सरचार्ज के नाम से हमारे पास 4.5 साल इन्होंने वसूल किया, और अभी चुनाव आया तब इनको वो सरचार्ज याद आया कि माफ करना पड़ेगा। वसुंधरा जी ने जो पिछली सब्सिडी आप लोगों को दी थी, इन्होंने 4.5 साल वो सब्सिडी भी हजम करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसी तरह से मैं आपको सरकार के भ्रष्टाचार की बात करूंगा। आज सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। गांव में एक छोटा अधिकारी कर्मचारी हो या बड़े से बड़ा अधिकारी कर्मचारी हो, बिना पैसे कोई काम करना चाहते नहीं है, और इनके विधायक, कांग्रेस के विधायक मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। विधानसभा भी चल रही थी, इनके मंत्री राजेंद्र जी गुड़ा भ्रष्टाचार की लाल डायरी विधानसभा में लेकर आकर अध्यक्ष महोदय को कहा कि मैं ये लाल डायरी
विधानसभा के अंदर टेबल करना चाहता हूं ताकि इस सरकार के पोल खुल जाए तो इस कांग्रेस के विधायकों ने वो लाल डायरी छीन ली और उस लाल डायरी के अंदर पहला खुलासा हुआ है मुख्यमंत्री जी के सपुत्र जो आरसीए के अध्यक्ष बने उनका सबसे पहला नाम है और इस लाल डायरी में इनकी बहुत कोले खुले भी आने वाले समय में सरकार के सचिवालय में 2 करोड़ से ज्यादा रोकड़ा रुपया और 3 किलो सोना मिलना इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई नमूना नहीं हो सकता। जल जीवन मिशन जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक पूरे देश और राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा की है कि प्रत्येक घर ढाणी को नल के माध्यम से शुद्ध जल दिया जाएगा। आज उस जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला पाया आप लोग रोज अखबार में देखते हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अभी 2 दिन पहले ही भ्रष्टाचार में पकड़े गए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आप लोगों को फसल बीमा दिया जाता है उस फसल बीमा में बाड़मेर के अंदर 300 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ। जमीन किसके नाम से और कागज दूसरे के नाम से लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा में 300 करोड़ रुपए का घोटाला करने का पाप इस राजस्थान की सरकार ने किया है। अपने राणीवाड़ा विधानसभा में मैंने केंद्र सरकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में मैंने एमपी साहब ने प्रयास करके 105 करोड़ रुपए लाए वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और इनके जांच में उनके अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ हम लोगों ने मांग की इसकी जांच करवाई तो इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना मैं आपके मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने जयपुर अध्यापकों के सम्मान समारोह में कहा कि आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे तो नहीं लगते हैं, तब इन शिक्षक बंधुओं ने कहा कि हमारे को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो और उस मंत्री को जो शिक्षा मंत्री था उस मंत्री को जो मुख्यमंत्री के सामने अध्यापक ये आरोप लगाते हैं उस मंत्री महोदय को अशोक जी ने पारितोषिक दिया और कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ये कांग्रेस की कार्यशैली साथियों है। आज अपराध के बारे में कहूंगा मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है। आज देश में राजस्थान अपराध पे 1 नंबर पे है। आज राजस्थान बलात्कार के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पे है। इस राजस्थान के अंदर रोज 16 से 17-18 बलात्कार होते हैं और इनका मंत्री विधानसभा के अंदर ये बोलता है कि बलात्कार होना राजस्थान में कोई नई बात है, ये तो मर्दों का प्रदेश है। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर मंत्री से ये कहा कि ये राजस्थान की नारी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, आपको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, परंतु ये तो घमंड के चूर में है। इनको जनता समय आएगा तब ये अपने आप माफी मांगेंगे। आज दलित और आदिवासी महिलाओं के उत्पीड़न में राजस्थान आज 1 नंबर पे है। साइबर क्राइम अपराध में आज राजस्थान पूरे देश में 1 नंबर पे है और पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर डीजल या पेट्रोल महंगा है तो वो राजस्थान में है। ये किसानों के साथ में बड़ा अन्याय है क्योंकि हर किसान घर में ट्रैक्टर भी रखता है, जीप भी रखता है, तो हमको इस डीजल और पेट्रोल के नाम से ये सरकार लूट रही है। इनकी कथनी करने का एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा। 18 नवंबर
2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जालौर के स्टेडियम में आके कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई राजस्थान के अंदर तो किसानों का हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज किसान कर्ज माफी के नाम से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और हम लोगों ने विधानसभा के अंदर एक सवाल लगाया कि राजस्थान में किसने किसानों की जमीन कुड़ की है या नीलाम हुई है, तो सरकार ने आंकड़ा दिया है 19,422 किसानों की जमीन या तो कुड़ हुई है या नीलाम हुई है। और इस ऋण माफी के कारण कई किसानों ने आत्महत्या की है। गंगानगर के अंदर सोनलाल कडेल नामक व्यक्ति ने कर्ज माफी के कारण अपना एक लाइव वीडियो बनाया कि मैं मुख्यमंत्री जी इस कर्ज माफी के कारण सुसाइड कर रहा हूं, आत्महत्या कर रहा हूं, और उसके जवाबदार स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। हमने विधानसभा में मांग की कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ सोनलाल कडेल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, परंतु अब सरकार तो सरकार है। आज सरकार ने अपने जिले को 2022 में कहा था कि हम जालौर जिले में किसानों को दिन में बिजली देंगे। आज 1.5-2 साल हो गए हमको दिन में बिजली, तो क्या रात में भी आज बिजली मिल नहीं रही है। और अभी सीकर की एक सभा में आप लोगों ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कांग्रेस के अध्यक्ष जी टोडासरा जी एक सभा में बोल रहे थे अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, और बोलते बोलते लाइट गई, तब टोडासरा जी ने ये माइक टप टप किया। तो ऐसे लोगों को आप आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और लोगों का हजूम इतना उमड़ा है कि आज राजपुरा का चौराया जो है चशमपुरा से लेकर के राजपुरा चौराया तक गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं। ऐसे आपका प्रयास जो है, आपका जो मान सम्मान है, इसके लिए मैं कायल हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद आपका। नारायण से भाई व्यक्तिगत कोई नारे नहीं लगाए, कार्यकर्ता बंधुओं मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है व्यक्तिगत नारे नहीं लगाए। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे महंगे मेहमान बुला रहे हैं, आप सभी के स्वागत की रस्म को हम पूरा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे प्रतिपक्ष के नेता राठौर साहब का जम्बोहार पहना करके स्वागत करें। हाँ। आदरणीय नारायण सिंह देवल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वीरता का प्रतीक सिरोही की तलवार, साफा और दुपट्टा आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब को पहना करके तलवार सुपर्द करें आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब विधायक रानीवाड़ा। हाँ, आगे के मैं नाम बोलूंगा। हाँ, भिखाराम जी चौधरी पूर्व जिला उपाध्यक्ष जी तैयार है, अमितचंद जी जैन साहब धर्मराज चौधरी जिला।